आज पाकिस्तान की सियासत से मुतालिक एक बड़ी पेशरफ सामने आई है, क्योंकि मुल्क में आने वाले इंतखाबात का तनाज़ा ख़त्म हो गया है और 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में अगले इंतखाबात होंगे, यानी इंतखाबी सियासत का अब बाकायदा आगाज़ हो गया है। और वो इलेक्शन कमीशन जो कल तक ये दावा कर रहा था कि इलेक्शन की तारीख के ऐलान से मुतालिक वो सदर मुमलिकत से मुशावरत का पाबंद नहीं है, आज उसी इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर ना सिर्फ अपना मुशावरती इजलास तलब किया, बल्कि उस मुशावरती इजलास में ये फैसला किया गया कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मुशावरत के लिए आज ही मुलाकात की जाएगी। और फिर आज ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान की मौजूदगी में सदर मुमलिकत से मुलाकात की, जो एक घंटे तक जारी रही। मगर इस मुलाकात में एक नया मसला खड़ा हो गया। सदर मुमलिकत और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दरमियान किसी एक तारीख पर इत्तफाक ना होने की खबर सामने आई, और फिर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर वापस इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंचे, और दफ्तर पहुंचते ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को लिखा गया एक खत मंजरेआम पर आ गया, जिसके मुताबिक मैं सिकंदर सुल्तान राजा बहैसियत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सोच विचार के बाद अदालती अहकाम की पैरवी करते हुए 11 फरवरी को कौमी और सूबाई असम्बलियों में इंतखाबात करवाने की तजवीज़ देता हूँ। लेकिन इस खत के बाद अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात के लिए गए और इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंचे, और फिर वहां काफ़ी देर तक मुशावरत चलती रही, जिसके बाद अटॉर्नी जनरल दोबारा सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मिलने ऐवान सदर पहुंच गए। और फिर ऐवान सदर की तरफ से ये इलामिया जारी किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान और इलेक्शन कमीशन के 4 मेंबरान के हमरा ऐवान सदर में सदर मुमलिकत से मुलाकात हुई है, और मुलाकात में मुल्क में आइंदा इंतखाबात के इनेकाद के लिए तारीख पर तबादला ख्याल किया गया है। इलामिया के मुताबिक सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से हलका बंदियों और इंतखाबात के हवाले से की गई पेशरफ्त को सुना है, और तफसीली बहस के बाद इजलास में मुत्तफिका तौर पर मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को कराने पर इत्तफाक किया गया है। और फिर इलेक्शन कमीशन ने भी इलामिया जारी करके 8 फरवरी की तारीख की तस्दीक कर दी, यानी पहले इलेक्शन कमीशन 11 फरवरी को इतवार के दिन इलेक्शन कराने पर जोर देता रहा और दावा करता रहा कि छुट्टी के दिन इलेक्शन करवाने से इस अमल में अवामी शमूलियत बढ़ेगी। अदालत में भी इलेक्शन कमीशन ने यही तारीख रखी, और फिर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के सामने भी यही तारीख रखी गई, लेकिन फिर इस तारीख पर इत्तफाक ना हो सका। और फिर अटॉर्नी जनरल की तरफ से दोनों फरीकों के साथ तवील मुशावरत के बाद ऐवान सदर ने 3 दिन पीछे की, यानी 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात की तारीख पर इत्तफाक करने का ऐलामिया जारी किया है, जिसका मतलब यह है कि अब इलेक्शन इतवार को नहीं बल्कि जुमेरात के दिन होंगे। अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से वाजे कर चुकी है कि जिस तारीख का भी ऐलान हुआ वो तारीख पत्थर की लकीर तसव्वुर होगी और उसी दिन इंतखाबात होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। सिर्फ यही नहीं, आज अदालत में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की तरफ से तारीख का वाजे ऐलान ना करने पर अदालत ने उनके कंडक्ट पर संगीन सवालात उठाए हैं, क्योंकि ये मामला काफ़ी अरसे से इल्तवा का शिकार था। 9 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील हुई थी और 23 अगस्त को सदर मुमलिकत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा था और इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने से मुतालिक मुशावरत की दावत दी थी, मगर अगले ही दिन 24 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ने मुल्क के सदर मुमलिकत से मुशावरत से इनकार कर दिया था और कहा था कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन को ही तारीख देने का इख्तियार है। लेकिन इस दौरान नून लीग के साबिक वजीर कानून आजम नजीर तारड़ समेत मुल्क के कानूनी माहिरीन सदर के इस इख्तियार के पीछे खड़े हो गए थे कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। और फिर 13 सितंबर को सदर मुमलिकत ने इलेक्शन की तारीख से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन उस नोटिफिकेशन में इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने के बजाय सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने 6 नवंबर को इलेक्शन कराने की सिर्फ तजवीज़ दी थी और अपना इख्तियार इलेक्शन कमीशन के सामने सरेंडर कर दिया था और मामला सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन पर छोड़ दिया था, जिस पर तहरीक इंसाफ को धचका लगा और बाद में इमरान खान ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मायूसी का इजहार किया। और फिर 21 सितंबर को इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन प्रोग्राम का ऐलान करते हुए कहा था कि इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में करवा दिए जाएंगे, जिसके बाद से अब तक ये तनाज़ा बरकरार था कि इलेक्शन कब होंगे, और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सेटल कर दिया है। इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत के दरमियान 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन करवाने पर इत्तफाक हो चुका है, और कल इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट को भी आगाह कर दिया जाएगा। इस पूरी सूरत हाल से पीटीआई और पीपल्स पार्टी खुश नजर आ रहे हैं, और ये दोनों जमातें इलेक्शन की तारीख से मुतालिक मुसलसल गैर यकीनी का शिकार थी, किसी को नहीं पता था कि इलेक्शन कब होंगे। लेकिन एक जमात यानी नून लीग शुरू दिन से ही पूरे एतमाद थी
जबकि इलेक्शन फरवरी 2024 में ही होंगे, यानी कौमी असेंबली तहलील होने के बाद जब सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान इलेक्शन से मुतालिक कोई बातचीत नहीं हुई थी, कोई तनाज़ा नहीं खड़ा हुआ था और ना ही इलेक्शन कमीशन ने हलका बंदियों का कोई शेड्यूल जारी किया था, उस वक्त से नून लीग और राजा रियाज जो PDM हुकूमत के फ्रेंडली अपोजिशन लीडर थे वो दावे करते रहे कि इलेक्शन फरवरी में होंगे। राजा रियाज तो ये तक कहते रहे कि 15 फरवरी से 4 दिन पहले या 4-5 दिन बाद इलेक्शन हो जाएंगे, हमारे बड़ों ने फैसला किया है। और राना सनाउल्लाह 15 अगस्त को ये दावा कर चुके थे कि नवाज शरीफ को पूरा यकीन है कि इलेक्शन फरवरी में होंगे। नवाज शरीफ साहब ये रिस्क भी नहीं लेना चाहते कि पता नहीं इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, इलेक्शन होंगे और उन्हें होते हुए नजर आएंगे तो ही वो पाकिस्तान आएंगे। नहीं, उन्हें पूरा यकीन है कि इलेक्शन जो है वो फरवरी में होंगे, हल्का बंदी जो है वो उससे पहले होनी है जो कि दिसंबर तक जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं, उन्हें भी नजर आ रहे हैं, बाकी भी सबको नजर आने चाहिए, इसमें कोई अभाम जो है वो किसी को नहीं होना चाहिए। और आज इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन से मुतालिक 11 फरवरी की तारीख दी थी और बाद में 8 फरवरी की तारीख पर इत्तफाक राय हो गया। क्या यह महज हुस्न इत्तफाक है या नून लीग की इदारों के साथ इस हवाले से पहले से अंडरस्टैंडिंग थी?